नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पांडे और आप सभी का स्वागत है ऑटो बाइक जंक्शन चैनल में। और मैं आज जिस टू व्हीलर की बात करूंगा वह है टीवीएस की अपाचे 160 BX6 टू वी। दोस्तों 2022 में इस बाइक में कुछ नए बदलाव हुए हैं जो मैं आपको हम इस वीडियो में बताने वाला हूं, और मैं इसकी माइलेज, कलर वेरियंट और ऑन रोड प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों यह टीवीएस कंपनी की वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर और टॉप सेलिंग बाइक है। इस गाड़ी में दोस्तों जबरदस्त स्टाइलिश स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाता है। दोस्तों अपाचे RTR 160 2B दो वेरिएंट और 6 कलर में अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर इस बाइक को आप साइड से देखेंगे तो इसके ग्राफिक्स और मॉडल डिजाइन में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप यहां पर पेट्रोल टैंक पर देखेंगे ये वाइट कलर की ग्राफिक्स फिनिश बाइक है, जिसमें आप देखेंगे 3D में TVS की लोगो इस पर लगा हुआ है। और यहां पर देखेंगे रेड कलर का ग्राफिक्स, तो यह पहले से ही इस गाड़ी में आ रही है। अब इस बाइक को फ्रंट से देखा जाए तो काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। इस बाइक को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे वाइट कलर का मेटल गार्ड है, जिसमें ग्रे, रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन स्टिकर दिया गया है। और यहाँ मेटल गार्ड पर देखेंगे तो सुपर मोटो ABS इस पर लिखा गया है। राइट साइड में भी इसके मॉडल और डिजाइन में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, और बदलाव की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह मॉडल काफ़ी फेमस है। दोस्तों इसकी माइलेज की बात की जाए तो कंपनी 48 से 50 किमी का माइलेज क्लेम करती है, जो आपको मिलेगा। यहाँ नीचे आपको डिस्क मिलता है जिसकी साइज 270 mm। इसमें आपको सुपर मोटो ABS देखने को मिलता है, लेकिन सिंगल चैनल ABS है, यानी कि आगे वाले डिस्क में ही आपको ABS की चैन देखने को मिलेगी। ये जो आगे का टायर आप देख रहे हैं वह 90x90 17 ट्यूबलेस टायर है। पीछे की टायर, रियर टायर 110x80x17 की है। अब इसके ऊपर सस्पेंशन पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट पर है ये टेलीस्कोपिक विथ हाइड्रोलिक ट्रम्प के साथ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों TVS अपाचे 160 RTR 2B बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट है, चाहे जो फ्रंट पर पर्सनल चला रहा है उसके लिए भी, या जो पीछे बैठा है उसके लिए भी यह बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ तक दोस्तों अगर इस बाइक को 150 किलोमीटर कंटिन्यू भी चलाएंगे तो आपका बैक शोल्डर में कोई पेन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आरामदायक बाइक है, तो यह चीज़ इस बाइक में आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में कुछ सेफ्टी फीचर ऐड हुए हैं, जैसे इसके साइड स्टैंड में कट ऑफ स्विच लगा दिया गया है। पहले आपको इस गाड़ी में यह चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, अब इसमें यह चीज़ ऐड कर दिया गया है। इससे फ़ायदा यह है कि अगर आपका स्टैंड गिरा रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इसके स्पीडोमीटर में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों, पहले के जैसा ही है। पीछे आपको मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। अगर आप चाहें तो ड्यूल डिस्क ब्रेक में इसको खरीद सकते हैं। आगे 270 mm की डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाती है, और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी हैंडल को आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है। एल्युमिनियम कोटेड आपको लीवर देखने को मिल जाएगा। स्पीडोमीटर पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप ABS की लाइट, RPM मीटर, बैटरी की लाइट, सर्विस रिमाइंडर को देख सकते हैं। पेट्रोल का अलग से दिया गया है, और यहीं पर आपको इंजन चेकिंग की भी लाइट देखने को मिल जाएगी। इस बाइक की सीट हाइट की बात की जाए तो 790 mm है, और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, वजन है 139 किलोग्राम, और पेट्रोल टैंक इसमें 12 लीटर का लगाया गया है। माइलेज इसमें 48 से 50 तक की आपको मिल जाती है। इस बाइक में जो नया बदलाव है वह सिर्फ साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का है, जो नया अपडेट किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है सेफ्टी पर्पज से। बाकी यह बाइक बहुत ही गजब की है, इसको आज भी सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इसका इंजन 161.7 cc का एयर कोडेड 4-स्ट्रोक इंजन है। पावर की बात की जाए तो 15.53 PS की पावर 8400 RPM जनरेट करती है। इसका टार्क 13.9 Nm और 700 RPM पर है। ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल है। फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक ड्रम्स है। सामने वाली ब्रेक 270 mm डिस्क है, पीछे वाली ब्रेक ड्रम 130 mm और डिस्क 200 mm है।
सामने का टायर 90x90.17 ट्यूबलेस टायर है और इसके पीछे वाला टायर रियर टायर 110x80.17 की है। इसकी लंबाई 2085 mm, चौड़ाई 730 mm, ऊंचाई 1105 mm, व्हील बेस 1300 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm और वजन ड्रम के साथ 139 kg और डिस्क के साथ 140 kg है। ये बाइक GT टेक्नोलॉजी RTFI फॉर पावर माइलेज LED हेडलैम्प सिंगल चैनल ABS के साथ है। यस मोटर कंपनी ने अपने कुछ मॉडलों की कीमत में बढ़ोतरी की है जिसमें कंपनी की लोकप्रिय मोटरसाइकिल अपाची RTR 160 2B भी शामिल है। 2022 में इस बाइक की कीमत प्रभा TVS सहजनवा गोरखपुर के शोरूम में इसका एक्स शोरूम प्राइस 1,13,640 रुपए है। और अगर ऑन रोड की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको 1,38,774 रुपए में मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप प्रभा TVS सहजनवा में संपर्क कर सकते हैं या फिर यहाँ का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पर आप बात करके पता कर सकते हैं। यह बाइक आपको बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको डाउन पेमेंट या इसके इंस्टॉलमेंट के बारे में जानना है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा बाइक में कुछ बदलाव छोड़कर ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है। बाइक अभी भी पहले की तरह 159 cc एयर कूल्ड इंजन के साथ ही आती है। यह भारतीय बाजार में TVS अपाचे RTR 160 2B का मुकाबला बजाज पल्सर NS 160, यामाहा YZF R15 V3 और सुजुकी गीजर SF जैसी मोटरसाइकिलों से होता है, लेकिन फिर भी TVS अपाचे RTR 2B की डिमांड, मांग और उसको पसंद करने वाले काफी हैं। यह काफी लोकप्रिय बाइक है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।